हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि आप वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस को पीवीए एंड टी एच में कैसे ड्रॉ करते हैं ओके तो माई सेल्फ अभिषेक से गुप्ता और मैं आज आज की क्लास में आप लोग को ये बता रहा हूं बताने वाला हूं कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को हम पी वी एंड टी एच में कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग के हम लोग आज की वीडियो को ओके तो देखिए आपके पास क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास सभी प्रोसेस जो होते हैं पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस तो देखिए मैं यहां पर एक इक्वेशन से लिख रहा हूं फॉर पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस तो पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस ओके तो पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ आपके पास PV, अगर पल्ट्रोपिक प्रोसेस का या की बात करूं, तो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और ड्रॉ करेंगे PV TS पे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही ठीक है वे आर पी P, क्या है वे पी प्रेशर एन वी वॉल्यूम एन क्या है पॉलिट्रोपिक इंडेक्स और सी क्या है कॉन्स्टेंट तो इंपॉर्टेंट है यहां पर हमें एन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं पॉलिट्रोपिक इंडेक्स एन इज इक्वल टू क्या पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स एन इज इक्वल टू पॉलिट्रोपिक इंडेक्स देखो आप मुझे बताइए कि पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का रेंज क्या होगा और उसमें हम क्या क्या वैल्यू पुट अप करेंगे कौन सा प्रोसेस आपका डिराइव हो जाएगा ठीक है तो n जो इसका रेंज होता है रेंज ऑफ पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस या पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया ओके ठीक है तो देखिए फर्स्ट अगर मैं एन इज इक्वल टू कर देता हूं क्या पुटअप करते हैं जब आप n इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाते हैं वन हो जाएंगे तो आपको इक्वेशंस क्या मिलेंगे पी इज इक्वल टू सी क्लियर जब एन इज इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा सी इसका मीनिंग क्या हो गया भाई इसका मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसो बारिक प्रोसेस आइसो बारिक प्रोसेस ओके आइसो बारिक प्रोसेस क्लियर डेट सेकंड सेकंड हम n इज इक्वल टू वन पुटअप करते हैं अब आप इस इक्वेशन पे n इज इक्वल टू वन पुटअप कर दो तो आपको कौन सा प्रोसेस मिल रहा है तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और हमने देखा है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा प्रोसेस होता है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस तो हम इसे लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस Okay, आइसोथर्मल में में तो प्रोसेस, मिलेगा। क्या मिलेगा वी इज इक्वल टू सी दैट मीन आइसोकोरिक प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ओके जब एन इज इक्वल टू इन पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है v C. तो हम यहां पर लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस आइसो कोरिक प्रोसेस एंड नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर फोर, एन इज़ इक्वल टू मैं रख देता हूं गामा एन इज इक्वल टू गामा तो आपको कौन से इक्वेशन मिलने वाले यहां पास पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अभी कौन सा इक्वेशन कहलाता है आपका टिक प्रोसेस एंड आइसनट्रोपिक प्रोसेस तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और इसे हम क्या लिखते हैं आइसन ट्रॉपिक प्रोसेस आइसन ट्रॉपिक प्रोसेस ठीक है अब ये जो वैल्यूस है इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम पर पहले मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसके बाद मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं ठीक है तो देखिए यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं आपके लिए पीवी डायग्राम पीवी डायग्राम ठीक है तो वर्टिकल एक्सिस में हम क्या लेते हैं यहां पास वर्टिकल एक्सिस में हम लेंगे प्रेशर को ठीक है और एक्सिस लेंगे हम यहाँ क्या भाई वॉल्यूम को ठीक है प्रेशर एंड वॉल्यूम ठीक ओके तो सभी प्रोसेस को हम यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं तो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन क्या देखे थे हम लोग पॉइंट नंबर वन एन इज इक्वल टू क्वल टू हम देखे थे यहाँ पास जीरो था हमें दैट मीन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो आप पी डायग्राम में अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात किया जाएगा तो क्या मिलेगा ओरियंटल मिलेगा क्या मिलेगा ओरियंटल लाइन मिलने वाली है यहाँ पास ठीक तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट से सभी की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पास होरजेंटल लाइन तो ये देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये हो जाएगा होर्जेंटल लाइन इज इक्वल टू सी एन एन इज इक्वल टू जीरो समझ आ गया सेकेंड हम पुटअप करेंगे एन इज इक्वल टू इन्फिनेटिव एन इज इक्वल टू इन्फिनेटिव देन हमें क्या मिला वी इज इक्वल टू सी दैट मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन अगर आप पीवी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा भाई वर्टिकल एक्सिस ठीक है तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको वर्टिकल लाइन तो ये जो लाइन जो शो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इक्वल टू C और n इज इक्वल टू क्या हो गया इंफिनिटिव n इज इक्वल टू इन्फिनेटिव ओके क्लियर नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड थर्ड n इज इक्वल टू वन देन पी वी इज इक्वल टू सी

तो एन की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं गामा, गामा, की वैल्यू क्या पुट अप कर देते हैं गामा. That means, आपको जो मिलेगा पावर गामा इज़ रिवर्सिबल तो गा हो रहा है क्लॉक रोटेशन हो रहा है और एन की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है तो आपको जो मिलने वाली है भाई कौन सा प्रोसेस हो गया आपका आइसो आइसन ट्रॉपिक प्रोसेस ठीक है आइसन ट्रॉपिक प्रोसेस क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ की है ओके चलिए फिर हम लोग टीएस डायग्राम देखते हैं कैसे आप लोग डिफरेंट टाइप वेरियस टाइप के प्रोसेस को कैसे ड्रॉ करने वाले हैं तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा टीएस डायग्राम ठीक है और टीएच डायग्राम में हम वर्टिकल एक्सिस में क्या लेते हैं टेम्परेचर एंड ओरिएटल एक्सिस में क्या लेते हैं भाई एंट्रोपी तो देखिए यहां पास में वर्टिकल एक्सिस में क्या लूंगा टेम्परेचर एंड ओरिजेंटल एक्सिस में एंट्रोपी दिस वन इज टी एंड एस क्लियर डेट ओके नाउ अब सिमिलर टू हम क्या करेंगे फर्स्ट जब आप एन इज इक्वल टू वन पुट कर दिए तो आपको क्या मिलता है? PV C अगर मिले, तो हम क्या बोलते आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस अब मुझे बताइए टीएस डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे ड्रॉ होगा हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर तो वर्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे मिलेगा आपको

तो हमें क्या मिलता है प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्योंकि इसमें कर्व मिलने वाला है और आइसोन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी आपको कर्व मिलेगा अब यहाँ पर डिपेंड होता है कि कौन सा लाइन अबो और कौन सा लाइन बिलो ठीक है यहां से क्रिएट कर दिया ठीक है यहां से हमने क्या कर दिए क्रिएट करें दैट इज अ पॉइंट नंबर टू इसके लिए भी टू अब आप किसको डिसाइड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ये वाली लाइन है कि ये वाली लाइन है तो हमेशा याद रखिएगा टीएच डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन अब द कांस्टेंट प्रेशर लाइन दैट मींस वी इज टू सी एंड पी इज इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पास जीरो तो यहाँ पर समझ आया कि कैसे आपने टी एच डायग्राम और पीवी वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस को ड्रॉ किए और पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू आपने पुटअप की है दैट इज़ अ स्मॉल कंसेप्ट और बिग धमाका ठीक है इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी चीजें हैं बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें मैंने मैं लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा इंजॉय करने को मिलेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और आपको अगर आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ वीडियो के नीड है किसी टॉपिक पर तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप दीजिए ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओके थैंक यू वेरी मच